गुजरात के तट को छू चुका तूफान बिपरजॉय का आउटर रिंग। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर सरकार। गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट, 7 अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच जोरों पर राहत बचाव की तैयारियां रद्द की गई। 70 ट्रेनें, कई किलोमीटर तक तटीय इलाकों को खाली कराया गया। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की आड़ गिर। सोमवार के द्वारिका बंदरगाह के किनारे मकान हुआ धराशायी। मकान गिरने से कोई हताहत नहीं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों का चार्जशीट दायर। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने किया दाखिल। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। बेकाबू भीड़ ने कैबिनेट मंत्री का सरकारी आवास फूंका। 8 गांव में आगजनी, भड़की नफरत की आग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम मोहम्मद का दावा, 180 से 200 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, फिर बनेगी शिवराज सिंह की सरकार। भोपाल से कमलनाथ संदेश यात्रा का आगाज। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ ने किया यात्रा का आगाज। कमलनाथ बोले, कार्यकर्ता घर घर जाएं और सरकार की नाकामी का करें खुलासा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा, सनातन धर्म का विरोध करना दिग्विजय सिंह की आदत, धर्म का चोला उड़कर आती हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति। कमलनाथ की संदेश यात्रा पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का पलटवार का 15 महीने में जनता देख चुकी है कमलनाथ कांग्रेस की असलियत। नई संसद में बुरहानपुर की बेटी ने इंटीरियर डिजाइनिंग में दिया योगदान। 26 साल की आस्था ने नई संसद को संवारा। आस्था की उपलब्धि पर बुरहानपुर गौरवान्वित। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना का ऐलान, लव जिहाद के विरोध में किया ऐलान। मुस्लिम लड़की से शादी करने पर 11,000 का इनाम। न्यूज 18 से खास बातचीत में राम भद्राचार्य का बड़ा बयान, अखंड भारत से नहीं होनी चाहिए किसी को आपत्ति, चीन के कब्जे वाली जमीन भी वापस ली जाए। गंगा जमुना स्कूल मामले में एक्शन पर कांग्रेस के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कमलनाथ के कभी हिजाब पर आपत्ति उन्होंने नहीं की, ये कांग्रेस का असली चेहरा। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाली मांग का श्री श्री रविशंकर ने किया समर्थन। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले भारत में गलत तरीके से लागू की गई धर्मनिरपेक्षता। एमपी में कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले होंगे वापस। गृह विभाग ने लिखा सभी जिला दंडाधिकारियों को पत्र, मुकदमों से राहत देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आयोजित की बैठक। 27 जून को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने आ रहे हैं पीएम मोदी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी पन्ना के हीरे की चमक। पन्ना के हीरा को मिलेगा जीआई टैग, कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। ग्वालियर में चैंबर सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत, दम घुटने से हुई मौत, परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। भोपाल में विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। दमोह दौरे पर रहेंगे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। गर्भगृह में प्रवेश और शीघ्र दर्शन टिकट से करीब 28 करोड़ की आय। उज्जैन में मछली के जाल में फंसा कोबरा, सर्प मित्र ने बचाई कोबरा की जान, रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। ग्वालियर में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। चंद्रबद्नी नाका झांसी रोड थाना क्षेत्र की घटना, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का असर, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त। सिंगरौली में विस्थापित ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प, लंघा डोल थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव ने खोया आपा, झड़प का वीडियो हो रहा है वायरल। खरगोन में छात्र ने की आत्महत्या, नीट परीक्षा में फेल होने पर डैम में कूदा छात्र, पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रतलाम में लापता व्यापारी की कुएं में मिली लाश, 2 दिन से लापता थे व्यापारी सचिन सोलंकी, हत्या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में प्रेमिका से मिलने गए 25 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप, जहांगीराबाद इलाके की घटना। एनएसयूआई की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, 5 लाख नए वोटर्स से सीधे संपर्क साधने की कवायद में जुटी एनएसयूआई। 5 लाख से अधिक युवा वोटरों को साधने की कोशिश, सीएम भूपेश बघेल ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव टिप्स,
कॉलेज छात्रों को सरकार की नीतियों से जोड़ने का मिला टास्क। नशा मुक्ति के लिए सीएम भूपेश बघेल का संदेश, नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाने के दिए निर्देश, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संस्थाओं से सहयोग लेकर कराएं सेमिनार। राजनांदगांव में टीएस सिंहदेव पर रमन सिंह का बयान, कहा बीजेपी में आने को तैयार थे टीएस सिंहदेव, अब कह रहे हैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पर बड़ा आरोप, 10 एकड़ वन भूमि हड़पने का लगाया आरोप, कहा गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन पर लिया पट्टा। गरियाबंद में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला रेसलर्स को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का फूंका पुतला। एस्मा लागू होने के बाद भी पटवारियों का आंदोलन जारी, पटवारी संघ से राजस्व सचिव ने की थी मुलाकात, दूसरे दौर की वार्ता भी विफल। रायपुर में हनुमान जी की प्रतिमा को पानी में फेंका, कुशालपुर बलसाय तालाब के पास स्थापित है मूर्ति, विक्षिप्त युवक को पुलिस ने लिया हिरासत। छत्तीसगढ़ में अब आंदोलन की राह पर अनियमित कर्मचारी संघ, संघ ने शासन को पत्र लिखकर मांगी 4 दिवसीय आंदोलन की अनुमति, 18 से 21 जुलाई तक प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। गड्ढों में तब्दील हुई राजधानी रायपुर की सड़कें, स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर सड़कों की खुदाई, गड्ढों के कारण वाहनों के आवागमन में परेशानी। मनेन्द्रगढ़ में नशे में धुत पुलिस के जवान का वीडियो वायरल, जवान ट्रक ड्राइवर से पैसे की कर रहा मांग, सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ में पोस्टेड है जवान। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव में लगा रहे चौपाल, बघेल सरकार की योजनाओं की दे रहे जानकारी। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 4 लोग पार्टी से बाहर, मारपीट थाने का घेराव करने पर यूथ कांग्रेस की कार्रवाई, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने जारी किया निष्कासन पत्र। सूरजपुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई, गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोप में सुरेंद्र डहरिया निलंबित, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की कार्रवाई। बलौदा बाजार के भाटापारा में फिर चाकूबाजी, साले ने चाकू मारकर जीजा को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेली में फंदे पर झूलती मिली युवक की लाश, विवाद के बाद ससुराल से घर लौटने के लिए निकला था युवक, चिल्फी थाना के खैरवार गांव की घटना। गुंडागांव में खतरा बना टूटा हुआ रोड डिवाइडर, जगह जगह बाहर निकले लोहे के रॉड दे रहे हादसे को न्योता, NH 30 पर सुरक्षा के लिहाज से हुआ था निर्माण। नीमच में पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला, आरोपी को छुड़ाकर बदमाश फरार। भिंड में कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर चले लात घुसे, पुराने विवाद में आरोपी ने फरियादी को बैनामा कराने के लिए बुलाया था, फिर हमलावरों ने कर दिया हमला। बैतूल में इलेक्ट्रीशियन ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस तलाशी के दौरान मिला सुसाइड नोट, मृतक ने सूदखोर को आत्महत्या के लिए ठहराया जिम्मेदार। दुर्ग में लाखों का सामान गबन करने के मामले में महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 13 मोबाइल लैपटॉप सहित घड़ियां बरामद। दरियाबंद में गांव में भालू आने से मची अफरा तफरी, राजिम के बेल टुकड़ी देवरी गांव तक दस्तक, भालू को भगाने में जुटा वन अमला। रायगढ़ में जंगल में मिला हाथी के बच्चे का शव, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, मौत के कारणों का अब तक नहीं हो सका खुलासा। और गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुजरात के तट से टकराया तूफान, तटीय इलाके से तूफान टकराया है, तेज हुई हवा की रफ्तार, मौसम विभाग ने तस्वीरें जारी की हैं, ये बड़ी खबर है। गुजरात से, गुजरात के तट से टकराया है बिपरजॉय तूफान, तटीय इलाके तक आ पहुंचा है बिपरजॉय तूफान और तेज हवाओं ने आसपास के क्षेत्र को तहस नहस करना शुरू कर दिया है और बेहद तेज गति में हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने तस्वीरें भी जारी की हैं, हालांकि जहां टकराने की संभावनाएं हैं उन सभी जगहों को, क्षेत्रों को पहले ही सरकार ने एहतियातन खाली करा लिया है। और बड़ी खबर खरगोन से है, कर्नाटक के बाद एमपी में बजरंगबली की एंट्री, बीजेपी में टिकट के दावेदारों की दिलाई शपथ, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने शपथ दिलाई गई, एकजुट होकर काम करने की शपथ ली,
बीकन गांव सीट से 5 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी किसी को टिकट दे, सब मिलकर काम करेंगे। दावेदार कार्यकर्ता है, दावेदार कार्यकर्ता है। हम विधानसभा बीकन गांव के, हम विधानसभा बीकन गांव के आरक्षण होने के कारण, आरक्षण होने के कारण पात्र कार्यकर्ता है, पात्र कार्यकर्ता है। लेकिन लेकिन हम सबको, हम सबको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन टिकट किसी एक को, हम सभी विधायक हैं। मुरैना में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष दूसरे घर पर फायरिंग कर दी। जमीन को लेकर दो पक्षों में यह विवाद हुआ। नगरा थाना के उदयभानपुरा गांव का मामला है। मारपीट की, फिर फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तस्वीरें मुरैना से सामने आई है, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग कर दी। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। नगरा थाना के उदयभानपुरा गांव का यह मामला है। पहले मारपीट हुई और फिर फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। बड़ी खबर सिंगरौली से है। विस्थापित ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हुई है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को अपशब्द कहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। झलरी कोल माइंस में प्रदर्शन कर रहे थे विस्थापित। ये बड़ी खबर सिंगरौली से है, जहां विस्थापित ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हुई है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को अपशब्द भी कहे हैं और अभी वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। झलरी कोल माइंस में प्रदर्शन कर रहे थे विस्थापित, तभी थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और हिंदू धर्म सेना का ये कैसा ऐलान, मुस्लिम लड़की से शादी करो इनाम पाओ। हिंदू लड़का शादी करेगा तो इनाम पाएगा। मुस्लिम लड़की से शादी पर 11,000 का इनाम का ऐलान किया है इस संगठन ने। हिंदू धर्म सेना नाम के संगठन ने यह बड़ा ऐलान किया है। मुस्लिम लड़की से शादी करने पर 11,000 का इनाम दिया जाएगा। लव जिहाद के विरोध में हिंदू धर्म सेना ने यह बड़ा ऐलान किया है। खबर इंदौर से, युवक ने आत्महत्या कर ली। डबल पैसे करने के लालच में युवक की जान चली गई। युवक के 1.5 लाख रुपए डूब गए। व्यथित युवक ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का वीडियो भी बनाया। युवक ने जो टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप ज्वाइन किया था युवक ने, और टास्क पूरा करने पर डबल करने का पैसा, डबल करने का झांसा उसे दिया गया था। युवक ने 1.5 लाख रुपए इसमें लगा दिए थे। जब पैसे डूब गए तब युवक ने मौत को गले लगा लिया और उस वक्त का ये वीडियो भी सामने आया जो युवक ने खुद बनाया था मौत को गले लगाने से पहले। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। 75+ 80+ ये नारे कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे नारे देकर के अपनी प्रगति रामायण महोत्सव के जरिए माहौल बना। उन्होंने भांचा राम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की। जिस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अल्पनामा दिया, उसको क्या अधिकार है राम का नाम बोलने का। केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप मुख्यमंत्री लगातार लगाते हैं। उन्होंने तय कर दिया कि हमें कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलना है।